हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता। आज मैं आप लोगों को क्लांचो के नए पौधे तैयार करने का बताऊंगी, वो भी सिर्फ सिंगल पत्ते से। तो चलिए देखते हैं कैसे एक सिंगल पत्ते से आप प्लांट बना सकते हैं नए पौधे। तो पहले आप लोगों को पत्ते ले लेने हैं, बड़े बड़े पत्ते ले सकते हैं, छोटे भी लेने से छोटे में भी हो जाते हैं प्लांट। पहले आप पत्तों की खाद लें, थोड़ी सी नीम खली ले लें अगर हो तो आपके पास, नहीं हो तो कोई बात नहीं। फिर आप इसमें थोड़ी कोकोपीट मिला दें। पत्तों की खाद, कोकोपीट और गार्डन सॉइल जो है नॉर्मल गार्डन सॉइल, तीनों को एक ही बराबर लेनी है, एक ही मात्रा में लेके इसको मिला लेनी है। ये देखिए, ये है गार्डन सॉइल, नॉर्मल गार्डन सॉइल है। और खाद के नाम पे मैं यहाँ पे सिर्फ पत्तों की खाद ही डाली हूँ। जो पत्तों की खाद होती है थोड़ी मोटी मोटी रहती है, तो उसमें पत्ते जो होते हैं, जो कालांचो के पत्ते हैं, उसमें से पौधे निकलने में बहुत ही आसानी होती है। तो आप पत्तों की जो सूखी पत्तों की खाद बनाई हुई रहती है आप उसको ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कोकोपीट और मिट्टी में मिला के भी आप इसको पत्ते को ग्रो कर सकते हैं, कलंचों के पत्ते को। अब ये जो मिक्सचर है, मिट्टी और पत्तों की खाद और कोकोपीट, थोड़ी सी नीम खली, इसको आप पॉट में भर ले, कोई भी पॉट में आप लगा सकते हैं। मैं फोम के एक टुकड़े ली हूँ जिसमें कप वगैरह आती है, उसी में मैं लगा रही हूँ। आप ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। ऐसे करके आप जो बनाई हुई मिट्टी है उसको भर ले, जिसमें जिसमें लगाएंगे, भर के आप उसको सिर्फ जो पत्ते हैं उसको धो के ऐसे लगा देने हैं। जो डंठल होती है, डंठल के हिस्से को आप ज़मीन में लगाए, आराम से आप उंगली से थोड़ी सी मिट्टी को हटा ले, हटा के उसको रोप दे। ये ग्रो करना, क्लांचों के पत्ते से प्लांट बनाना, उगाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम से ये उग जाती है। इसमें एक बात को आप लोगों को ख्याल रखनी पड़ेगी, इसमें ज़्यादा पानी नहीं देनी चाहिए। जब आप पत्ते से पौधा नया तैयार करने जा रहे हैं तो उसमें आप थोड़ी सी पानी दे, चाहे तो आप स्प्रेयर के मदद से पानी दे दे। इसमें पानी आप बहुत हिसाब से डालें। आप अगर चाहें तो इसमें 10 दिन 12 दिन बाद बाद फिर से आप स्प्रेयर से पानी इसमें छिड़क सकते हैं, लेकिन इसको आप ज़्यादा गीला ना करें, नहीं तो ये प्लांट बनेंगे नहीं। बस लगा के आप रख दे, रख देने के बाद 30 दिन या 32 दिन बाद आपके देखिए ऐसे प्लांट बन जाएंगे। जो पत्ता है, पत्ता का बगल से ये सब प्लांट निकला है। मैं 30 से 32 दिन में निकाली हूँ, दिखा रही हूँ आप लोगों को। अभी मैं निकाल के भी बताऊँगी कैसे इसके प्लांट, इसके जो डंठल होती है पत्ते की, वहाँ के उसी के पास से निकल के आई है। आप जो भी कोई बर्तन में लगाए हो, ग्रो बैग में या पॉट में या ऐसे फोम के टुकड़े में लगाएंगे, तो जब प्लांट बन जाए तो आप धीरे से इसको उल्टा करके थोड़ी सी इसको थपथपा के आप इसको मिट्टी को धीरे से उड़ेल दें, ताकि इसके जो रूट है वो टूटे नहीं। ऐसे करने से आराम से प्लांट निकल आती है। और पत्तों की खाद जो है इसके मिट्टी को बहुत ही भुरभुरी रखती है, तो पत्तों की खाद हो सके आपके पास है तो आप ज़रूर डाल दें। तो देखिए ये एक पत्ते में कितने सारे प्लांट बने हैं, करीब 3 से 4 हैं। ऐसे तो सिंगल ही बनते हैं, लेकिन किसी किसी में 3-4 बन जाते हैं, ऐसे जो मोटी पत्ती रहती है बड़ी वाली उसमें। तो मैं सारे को आप लोगों को धो के दिखाऊंगी ये कितने अच्छे से ग्रो हुए हैं। इसको लगाना बहुत ही आसान है, और इससे प्लांट बनाना आप लगा के इसको छोड़ दे, करीब 15 से 20 दिन के बाद आप देख पाएंगे पास से थोड़ी थोड़ी अंकुरण हो रही है पत्तों के जो डंठल है उसके पास से। इसमें देखिए बहुत सारे निकले हैं प्लांट, लेकिन ये सफ़ेद है क्योंकि मैं ये बाद में लगाई थी पहले, और जो एक डिब्बा में लगाई थी मैं वो किसी को दे दी, तो मैं इसको बाद में लगाई थी। तो इसको भी मैं निकाल के दिखा रही हूँ, सफ़ेद है। ये लगा देने से इसमें से प्लांट निकल आएंगे, ग्रीन हो जाएंगे जब ज़मीन से बाहर आएंगे। तो देखिए ऐसे धो के दिखा रही हूँ, सारे के सारे जो मैं पत्ते लगाई थी सारे ग्रो हो गए हैं, और किसी को जो दी हूँ एक डब्बे में वहाँ भी ग्रो हो गया है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एक पत्ते से आप इतने सारे प्लांट बना सकते हैं। इसको लगाने के लिए सॉइल मिक्स भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो मैं अभी तो ऐसे ही नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा के रखूँगी, क्योंकि इसमें प्लांट को बड़ा करूँगी, उसके बाद मैं सॉइल मिक्स में डालूँगी। देखिए ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है, इसी में मैं लगा के आप लोगों को एक बताती हूँ। अगर आप इसमें खाद डालना चाहिए, पत्तों की खाद है, खाद डालना चाहे कलंचों के प्लांट में लगाने के लिए, तो आप 3 हिस्सा कर ले। 40% आप गार्डन सॉइल ले, 40% इसमें आप कंपोस्ट ले ले, कोई भी किचन वेस्ट कंपोस्ट हो या कोई और खाद हो, ऐसे भर्मी कंपोस्ट या पुरानी गोबर की खाद ये ले सकते हैं आप, जो भी कोई एक, और उसको रख ले। फिर उसमें आप मिक्स खाद मिलाए, जो हॉर्न मिल, बोन मिल, थोड़ी सी 2-4 दाने DAP के भी डाल सकते हैं आप। ऐसे खाद मिला के जो मिक्स खाद आती है
मार्केट में आप बोलेंगे नर्सरी में तो मिक्स खाद दे देंगे, उसी को आप उसमें मिला दें मिट्टी में जो सॉइल मिक्स बनाए हैं, डाल के आप उसको लगा दें। प्लांट को लगाने के बाद आप उसमें अगर ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो आप उसमें थोड़ी सी रोज़ जो फूड होती है रोज़ फूड गुलाब की खाना उसको आप एक चम्मच डाल दें साइड से, डाल के उसी मिट्टी में मिला के आप ग्रो कर सकते हैं, तब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे। इसमें कलंचों में नवंबर से फूल आते हैं और मार्च महीने तक ये खिलते रहते हैं, तो आप ऐसे लगा सकते हैं मैं जैसे बताई हूँ। और ये प्लांट को ज़्यादा धूप में ना रखें, थोड़ी छांव की जगह में रखें पेड़ के नीचे। बार बार